Hello students, our today's topic is fairy tale. This is on page number 15 of your content book. Okay, आपकी content book के page number 15 पे है. तो हमने types of story start की है. Last time हमने पढ़ी थी क्या? Last time हमने पढ़ी थी folk tale. So folk tale क्या होती है? Folk tale एक traditional type of story है, पुराने ज़माने की, जो pass हुई है orally. एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैसे पास हुई है वो ओरली बोल बोल के. ठीक है, एग्जांपल से जैसे इसकी द नाइटिंगेल, द सेवन सिस्टर. और फॉकटेल में हमने ये भी देखा था कि फॉकटेल में गुडनेस की क्या होती है, हमेशा जीत होती है, अच्छाई की जीत. और जो विलन होता है उसकी क्या होती है, हार. अच्छाई की जीत और बुराई की हार होती है. और फॉकटेल में हमेशा हमें क्या सीख मिलती है, मॉरल होता है उसका कुछ. ठीक है, आज हम करेंगे फेरी टेल. ठीक है, सो फेरी टेल इज अ टाइप ऑफ इमेजिनेटिव राइटिंग दैट कैरीज द रीडर इनटू एन इमेजिनरी वर्ल्ड वेयर द लॉज ऑफ नेचर एज वी नो देम डू नॉट ऑपरेट. इमेजिनेटिव क्या होता है? ख्यालात, मतलब सोचने वाले. इमेजिनेशन मीन्स जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है, बस हम उसे सोच सकते हैं सिर्फ, लेकिन वो सच में नहीं होता. ठीक है, तो वो क्या होता है? इमेजिनेटिव. तो फेरी टेल एक इमेजिनेटिव स्टोरी है, मतलब जो रियल में नहीं है, बस वो हम इमेजिन ही कर सकते हैं, उसे दिखा सकते हैं, बट वो रियल में हमारे इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता, रियल में वो नहीं होता है. ठीक है, फेरी टेल्स आर इमेजिनरी सिचुएशन विच इन्वॉल्व सम काइंड ऑफ मैजिक एंड ड्रीम. तो फेरी टेल इमेजिनरी सिचुएशन है. इमेजिनरी मीन्स ख्याल वाली, सिर्फ रियल में एग्जिस्ट नहीं होती, जिसमें क्या है, मैजिक होता है, ड्रीम होता है, कोई जादू. मैजिक मीन्स जादू, ड्रीम मीन्स सपना. ठीक है, देन एवरी फेरी टेल हैज़ अ फेरी और सम काइंड ऑफ इमेजिनरी करेक्टर. तो फेरी टेल में जो करेक्टर्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इमेजिनरी होते हैं, वो भी सच में एग्जिस्ट नहीं करते. जैसे कि ये है सिंड्रेला है, ये क्या है, ये फेरी है, मतलब ये सच में नहीं होती. ये सारी जो परियाँ हैं ये इमेजिनरी होती हैं, ये सच में होती हैं, नहीं होती सच में, ये तो सिर्फ हम इमेजिन करते हैं. ये सिर्फ एक करेक्टर हैं जो हम दिखाते हैं स्टोरीज में, बट ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करती. ठीक है, तो फेरी टेल में ऐसे ही इमेजिनरी करेक्टर्स होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो एल्व्स हैं इनके कान बड़े बड़े हैं, तो सच में ऐसा करेक्टर एग्जिस्ट ही नहीं करता, नहीं है ऐसे, है ना. बोने छोटे छोटे, ये ड्वार्फ, सेवन ड्वार्फ, स्नो वाइट एंड सेवन ड्वार्फ, ये छोटे छोटे लोग, बिल्कुल छोटे छोटे, लिलीपुट जिसको बोलते हैं, ये भी एग्जिस्ट नहीं करते. तो ये सारी क्या हैं, ये फेरी टेल्स होती हैं. ठीक है, ये इमेजिनरी करेक्टर्स होते हैं, हम इन्हें सिर्फ सोच सकते हैं, लेकिन ये सच में नहीं होते. ठीक है, फेरी टेल में देयर इज़ विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल. यहाँ पर भी अच्छाई की जीत होती है बुराई पर. इविल मीन्स बुराई. ठीक है, एंड एवरी फेरी टेल हैज़ अ हैप्पी एंडिंग. और हर एक फेरी टेल की क्या होती है, लास्ट पे हैप्पी एंडिंग होती है. हैप्पी एंडिंग मीन्स कि उसका एंड कैसा होता है, अच्छा. हमने पढ़ा था स्टोरी के थ्री पार्ट्स होते हैं ना, बिगिनिंग, मिडल और एंड. तो एंडिंग फेरी टेल की कैसी होती है, हैप्पी एंडिंग होती है. ओके, एग्जाम्पल्स क्या हैं, सिंड्रेला, सिंड्रेला. फिर ये स्टोरीज हैं, फेरी टेल है ये. ठीक है, कौन सी टाइप की स्टोरी है ये, फेरी टेल. स्नो वाइट्स एंड द सेवन ड्वार्फ्स, जिसे यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, ये स्टोरी भी क्या है, ये कौन सी टाइप की स्टोरी है, फेरी टेल. एल्व्स एंड द शू मेकर, एल्व्स एंड द शू मेकर भी क्या है, ये भी एक फेरी टेल है. देन रम्पेलस्टिल्स्किन, ये भी क्या है, फेरी टेल है. रम्पेलस्टिल्स्किन, ये भी फेरी टेल है. ठीक है, तो जिस स्टोरी में इमेजिनरी करेक्टर्स हों, इस टाइप के करेक्टर्स हों जो सच में नहीं होते, हमारे इस पूरी वर्ल्ड में, दुनिया में नहीं होते, तो आप समझ जाना चाहिए कि वो कौन सी टाइप की स्टोरी है, फेरी टेल. परियों की कहानी, वो भी क्या है, फेरी टेल. ठीक है, तो आज आप ये रीड करेंगे, साथ में अपनी नोटबुक पे आप इसे लिखेंगे. फेरी टेल क्या है, फेरी टेल इज़ एन इमेजिनेटिव टाइप ऑफ स्टोरी दैट हैज़ ऑलवेज अ हैप्पी एंडिंग. तो इमेजिनेटिव स्टोरी है जिसकी हमेशा हैप्पी एंडिंग होती है. ठीक है, इमेजिनेटिव मीन्स विद मैजिक एंड ड्रीम, जिसमें मैजिक और ड्रीम्स हो. एग्जाम्पल सिंड्रेला, एल्व्स एंड द शू मेकर, ये एग्जाम्पल है किसकी, फेरी टेल की. ठीक है, तो आज आप लिखें, इसे लर्न करें. ओके, थैंक यू.